अरे जबरदस्त दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इस टाइप का नमक था उसका हमारा पाउडर बन चुका है दोस्तों। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले हैं। लीजिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन है वो चल रही है। लीजिए दोस्तों, हमारी जो अभी चने की दाल थी उसका जबरदस्त किस्म का जो पाउडर है वो बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी चने की दाल थी और चंद ही सेकंड्स के अंदर हमारा जो बेसन है दोस्तों वो रेडी हो चुका है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा उंगली से लगा कर भी दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं हमने इसको ओपन कर लिया है और ये हमारे पास इसके शानदार ब्लेड्स हैं और ये साथ में इसका ढक्कन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप लोग इसके अंदर दोस्तों जीरा, काली मिर्ची है, ठीक है, इसके बाद हल्दी और जितने भी घर में गर्म मसाला ज्यादा होते हैं आप लोग उनका बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं। कहने की चक्की है किस्म की, इसमें अगर हम गंदम डालें तो उसका आटा भी बन जाएगा, गंदम का आटा बना देगी। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। और दोस्तों कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ना आपको इसके अंदर जो शीशा है उसका भी हम लोग आपको पाउडर बना के दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि इंशाल्लाह कितनी जबरदस्त चीज है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चाय पोनी डॉट पीके। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिल्वर क्रस्ट का जो पाउडर ग्राइंडर है इसका आपके सामने डेमो करने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग आपको, हमारे पास ये देख सकते हैं दोस्तों नमक है, बल्कि इसको मैं अगर पत्थर कहूँ तो दोस्तों गलत नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हमारे पास पत्थर है। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों हमारे पास ये चने की दाल है, इसका हम लोग आपको बेसन बनाकर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए रजा भाई, जरा हमारा सबसे पहले अनबॉक्सिंग करके दिखाएं हमारे व्यूअर्स को और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी इंशाल्लाह इन दोनों चीजों का आपके सामने पाउडर बनाने वाले हैं। ठीक है, 100 ग्राम का ये हमारे पास सिल्वर क्रस्ट का पाउडर ग्राइंडर है और दोस्तों साथ में हमारे पास इसमें एक ब्रश और एक ब्लेड भी हमें एक्स्ट्रा साथ में दिया जाता है। और फेम भाई, ये जो कार्बन है ये कार्बन भी एक्स्ट्रा जब मशीन यूज होगी, जो इसके अंदर पहले कार्बन है ना वो यूज होकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके साथ कार्बन भी मिल रहे हैं, आप न्यू इसके साथ कार्बन इसके अंदर डाल सकते हैं, ये कार्बन डाल सकते हैं। ठीक हो गया। लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास है जबरदस्त सा सिल्वर क्रस्ट का पाउडर ग्राइंडर स्पेशली हमारे जो हकीम भाई हैं उनके लिए। ठीक है, कोई भी ऐसे हकीम भाई नहीं होने चाहिए जिनके पास ये वाली मशीन ना हो। ठीक है, वो जो कूटते थे दवाइयाँ दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्च होता है, तो ये जितने भी हमारे हकीम भाई हैं उनको मेरा मशवरा है कि लाजमी आप ये प्रोडक्ट लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ठीक है, तो रजा भाई सबसे पहले आप लगाएं इसकी वायर जो है वो लगाएं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग आपको पाउडर बनाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास ये जो इसका नमक है और साथ में, अच्छा दोस्तों आज हमारा प्लान ये था कि साथ में हम लोग आपको शीशा भी इसके अंदर क्रश करके दिखाएं, बट हुआ ये कि जो शीशा है वो हमें एट द टाइम अभी यहाँ से कहीं दुकान से मिला नहीं, लेकिन हमने दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर हम आपको पत्थर करके दिखा देंगे ना तो ये इंशाल्लाह आपके जितने भी मसाला जात है वो उसको ईजिली पीस सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा रजा भाई, इसको सबसे पहले हमने, आप देख सकते हैं हमने इसको ओपन कर लिया है और ये हमारे पास इसके शानदार ब्लेड्स हैं और ये साथ में इसका ढक्कन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसका मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ कि आपका जो ब्लेड है ये एक मिनट के अंदर 28,000 दफा घूमता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पीड है। ठीक है ना, और एक मिनट के अंदर 28,000 दफा घूमता है। ठीक है, अच्छा रजा भाई आपने, चलिए जरा सबसे पहले नमक करेंगे, मैं कहता हूँ सबसे पहले बेसन बनाते हैं उसके बाद नमक करेंगे। नमक कर लेते हैं, पहले नमक करें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो नमक है, ये रजा भाई ने बीच में थोड़ा सा और डाल लें, एक आधी डली और डालें। ठीक है, ठीक हो गया, बस काफ़ी है, ये कम कर लेते हैं, बस काफ़ी है दोस्तों। एक्चुअली आप पर्पज़ ये है कि आपको डेमो देना है। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसके ढक्कन को ऊपर से अच्छे तरीके से दोस्तों बंद करेंगे और आपको इसका इंशाल्लाह पाउडर बना कर दिखाएंगे। शुरू करें रजा भाई, बंद करें इसको, चले ऑन करें। लीजिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन है वो चल रही है और रजा भाई इसको थोड़ा सा हिलाएं, इसको मशीन को ऊपर नीचे, नहीं इस तरह नहीं करके मैं बताता, हाँ सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ताकि हमारा जो अच्छी तरह से हमारा जो नमक है वो बिल्कुल पाउडर बन सके। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा अभी थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा हमने चलाया तकरीबन 5 से 7 सेकंड और हम आपको थोड़ा सा इसका रिजल्ट दिखाएंगे। अरे जबरदस्त दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इस टाइप का नमक था उसका हमारा पाउडर बन चुका है दोस्तों। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, और हमारा जो दोस्तों बहुत ही सख्त किस्म का हमारे पास नमक था और हमारा जो नमक है बिल्कुल वो जो पाउडर है वो बन चुका है। अरे जबरदस्त दोस्तों, मैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने अच्छे रिजल्ट। ठीक है, और रजा भाई बिल्कुल पाउडर बन चुका है ये, इसको जरा प्लेट में अनबॉक्स अनलोडिंग करके दिखाएं। और अरे वाह दोस्तों, जबरदस्त, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 सेकंड के अंदर हमारा जो नमक है उसका दोस्तों बिल्कुल ही पाउडर बन चुका है। ठीक है, और चलिए रजा भाई अब हम क्या करते हैं कि नमक को जरा कर दे साइड पे
और इस ये ब्रश ब्रश इसके साथ दिया था भाई इन्होंने, इसको यूज करें और इसको अच्छी तरह साफ कर ले दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं कि आप लोगों को हम लोग बेसन बनाकर दिखाएंगे जो चने की दाल है, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 03046000810, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों किस तरह हमारा इस टाइप का नमक था जो है, और वो हमारा जो है पाउडर बन चुका है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। रजा भाई इसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर ले, मैं अगर कहते हैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज भी कर लेता हूं। नहीं, 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 तो लीजिए दोस्तों अब हम लोग आपके सामने, हमारे पास ये चने की दाल है, ठीक है, इसका आप लोगों को बेसन बनाकर दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपने सारी दाल नहीं डालनी, ठीक है, थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि आपका ये जो बॉक्स है ना फुल भरे नहीं, थोड़ा सा खाली रहे, ठीक है, ताकि आपका जो अंदर सा मटीरियल है वो अच्छी तरह से हिल सके। और ये अभी चने की जो दाल है रजा भाई ने बीच में डाल दी है, ठीक है, और चलिए दोस्तों सेकेंड्स लगते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कुछ 5-7 मिनट का प्रोसेस नहीं होता, ये चंद सेकेंड्स के अंदर हमारी जो चीज़ है वो पाउडर बन जाती है। थोड़ा सा और ना कर लेना अभी, अच्छा पहले वैसे ओपन कर दिखा दे। लीजिए दोस्तों ये तकरीबन 5-7 मिनट रजा भाई ने इसको चलाया है, और मिनट नहीं सेकंड, सॉरी 5-7 सेकंड हमारे रजा भाई ने इसको चलाया है और हमारा थोड़ा थोड़ा पाउडर बन चुका है। रजा भाई इसने थोड़ा सा और चलना है, और आपने रजा भाई इसको चला के ना थोड़ा सा हिलाना भी है, ठीक है, लीजिए दोस्तों हमारी जो अभी चने की दाल थी उसका जबरदस्त किस्म का जो पाउडर है वो बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी चने की दाल थी, और चंद ही सेकंड्स के अंदर हमारा जो बेसन है दोस्तों वो रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा उंगली से लगा के भी दिखा सकता हूँ। अच्छा दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोग इसके अंदर, ये तो हमने सिर्फ आपको दो चीजों का डेमो किया है, आप लोग इसके अंदर दोस्तों जीरा, काली मिर्चें, ठीक है, इसके बाद हल्दी और जितने भी घर में गर्म मसाला ज्यादा होते हैं आप लोग उनका बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं, और घर के अंदर बिल्कुल ही एक ऑर्गेनिक और जो हेल्दी आप खाने हैं वो बनेंगे, क्योंकि आप अपने हाथ से दोस्तों जो पाउडर है उस मसाला जात का आप लोग बनाएंगे। तो दोस्तों कह लेंगे चक्की है किस्म की, इसमें अगर हम गंदम डालें तो उसका आटा भी बन जाएगा, गंदम का आटा बना देगी, बना देगी, क्या बात है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। और दोस्तों कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ना आपको इसके अंदर जो शीशा है उसका भी हम लोग आपको पाउडर बना के दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले कि इंशाल्लाह कितनी जबरदस्त चीज है। चंद सेकंड्स के अंदर हमारा जो भी मटेरियल होता है दोस्तों ये मशीन उसका पाउडर बना देती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा उंगली से लगा के भी दिखा सकता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों ऑर्डर करने के लिए हमें इनबॉक्स पर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी के साथ ये प्रोडक्ट जो है वो आपके पास पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।